कम बैक, आप देख रहे हैं द स्पेशल लेसन। मैं मुकेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग रिमूव टू का नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, जहां वाक्य में इंडेफिनिट सब्जेक्ट का जिक्र होता है या निर्जीव चीजों का प्रयोग होता है, तब उसे कैसे बनाएंगे। उदाहरण के रूप में एक वाक्य लेते हैं, इट इज टू हॉट टू गो आउट। अब इसका स्ट्रक्चर होगा, यानी चेंज करने का, टू के जगह पर आप सो रख दें, एडजेक्टिव को डैट से टैग कर दें, पुनः सब्जेक्ट की पुनरावृत्ति के लिए अगर वाक्य में इज है तो वन कैन नोट का प्रयोग कर ले, अगर वाज का प्रयोग हुआ है तो वन कुड नोट का प्रयोग कर ले। अब इसे बनाकर देखते हैं, इट इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट गो आउट। अब एक और उदाहरण यहां पर रखते हैं, द टेबल इज टू हैवी टू लिफ्ट, द टेबल इज टू हैवी टू लिफ्ट। अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ठीक उसी तरह से इसका इसे ही बनाएंगे, द टेबल इज सो हैवी दैट वन कैन नॉट लिफ्ट। आप इसे पैसिव मोड में भी बना सकते हैं, जिसमें किसी निर्जीव सब्जेक्ट का प्रयोग हो तो किया जा सकता है। आप इसे कर सकते हैं, द टेबल इज सो हेवी दैट इट कैन नॉट बी लिफ्टेड। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, ताकि तमाम गतिविधि और इंफॉर्मेशन और किसी भी चीज का एक सटीक विश्लेषण सीख सके। धन्यवाद।